गाइस ऐसी स्टेयर्स हैं, उनको चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, 50 स्टेयर्स हैं और ठंडे हो चुके हैं। इस जगह पे कुछ तो है, कुछ है, कुछ है, क्या है? हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और आज कहाँ जा रहे हैं हम गाइस? आज ये था, जा रहे हैं पहले राइन फॉल्स, उसके बाद गाइस ये था कि उसके बाद ना हमारा एक और माउंटेन कवर करना था, बट हम दोनों थोड़ा सा माउंटेन से अफ्रेड हो गए हैं। अफ्रेड नहीं हुए हैं, बट वो हमारी हेल्थ के लिए, ट्रिप खराब नहीं करना चाहते गाइस हम, इसलिए खुद एक्सप्लोर। हाँ, इसमें कोई मतलब वो शर्माने वाली बात नहीं है, तो एक खुद हम एक्सप्लोर करेंगे। लिंट फैक्ट्री है, वैसे उसकी रिजर्वेशन देखने शायद मिल जाए, नहीं तो कहीं और खुद से जाएंगे ट्राम से ट्रैवल करके बैक पैकर्स की तरह। और उसके बाद रात को हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, बहुत अच्छी जगह है, शॉपिंग करेंगे। बट जो रास्ते में आज एडवेंचर होने वाला है ना, हमें भी नहीं पता हम कहाँ जाएंगे, क्या पता लिंट फैक्ट्री चले जाएं, और क्या पता लिंट फैक्ट्री नहीं हो तो कहीं और एक्सप्लोर करें, कुछ नहीं पता। मिलते हैं आपसे रास्ते में। ये गेस करो क्या है? दिस इज अम्ब्रेला। हम राइन फॉल्स आए हुए हैं, स्टेयर्स पे भी चढ़ेंगे और ये पहन के आपको बात करते हैं, ये मतलब छतरी लेके। तो गाइस हमने एक ही अम्ब्रेला शेयर कर रहे हैं, एक हमने यहाँ पे दे दी ईशा को और वो हमारे साथ आई थी। इधर उस तरफ से आपको गाइस व्यू दिखाता हूँ, इसके ऊपर फोटो क्लिक करेंगे, मजा आ जाएगा। वाटरफॉल है जर्मनी का, नेक्स्ट लेवल। और अभी हम जाएंगे जहाँ पे आपको फ्लैग दिख रहा है ना, उधर रेड कलर का, उधर देखो, वहाँ जाना है अभी हमें। अब नीचे जाके मिलते हैं। यहाँ पे गाइस दो तरीके की बोट्स होती है, एक 8 यूरो, 20 यूरो। 8 यूरो में जैसे राउंड लगवा लेंगे, 20 यूरो में जो ऊपर फ्लैग है ना 50 स्टेयर्स है, वहाँ तक जाएंगे, आपका वेट करेंगे, फोटोज क्लिक करके आप आ सकते हो, तो हम 20 यूरो वाला ही लेंगे। एंड मैडम गीले हो जाएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे तो ऑब्वियसली हो ही जाएंगे। तो अब गाइस आपको वहीं मिलते हैं, और मैं कोशिश करूंगा अगर बारिश रुक जाती है वापस आना, तो ड्रोन शॉट लेंगे नेक्स्ट लेवल, बट वहाँ जाके फोटोज तो क्लिक करेंगे ही करेंगे, एंड होप फॉर द बेस्ट। और गाइस ये हमारे देखो ऑरेंज झंडे वाले हैं हमारे सौरभ सर, हमारे टूर गाइड। डीपॉल से आए हैं, डीपॉल का झंडा मिला नहीं, तो उन्होंने ऑरेंज झंडा ही ले लिया। जय श्री राम। तो गाइस आप देख सकते हो बैक में राइन फॉल्स हैं, पहुंच चुके हैं। अभी पीछे स्टेयर केस दिख रहा होगा, उस स्टेयर केस के ऊपर चढ़ना है अभी हमें, दिखाते ऊपर जाके। तो गाइस वी आर ऑन द टॉप ऑफ राइन फॉल्स, दिस इज माय प्रीटी बॉय वी, लेट्स गो गाइस। ऐसी स्टेयर है गाइस, ऐसी स्टेयर्स हैं, उनको चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, 50 स्टेयर्स हैं और ठंडे हो चुके हैं, एंड वी आर वेटिंग लाइन पे हम। फोटोज वगैरह क्लिक हो गई हैं, और ये स्विट्जरलैंड है और वो जर्मनी है, आप देखो उसको। एंड अब एक दो जगह और जाना है, देखते हैं कहाँ जाते हैं, वो दिखाते हैं। गाइस ये वाले माउंटेन से अब हम ऊपर जाएंगे इसी पे, और हम लिंट चॉकलेट वगैरह नहीं गए, वहाँ सब फुल था, तो अब देखते हैं यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि ये 10,000 फीट है, 11,000 की नहीं है। और वी आर रेडी, सोने आर वी रेडी, वी आर रेडी। शकल देखो इसकी, खुशी पे, खुशी पे शकल, शकल पे खुशी, सॉरी। मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरे को तीखा और ये सब चटपटा खाना पसंद है, और यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था, नॉनवेज मैं खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तो मेरे को इंडियन मिल गया, तो मैं समोसा ले रही हूँ, और मैं पाव भाजी भी ले रही हूँ, फिर मेरा पेट भरेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा समोसा छीन लिया गाइस, स्विट्जरलैंड में समोसे का टेस्ट रिव्यू चटनी के साथ, साइज बहुत बड़ा है, अच्छा है, पाव भाजी की शक्ल आप देख सकते हो।
बहुत सारा टेस्ट भी दे दो फटाफट से। तो गाइस अब खा के मिलते हैं, भूख लग रही है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं इसके अंदर एंड चार बंदे हैं, ऐसे ज्यादा भी बैठ सकते हैं बट अभी सीजन का टाइम नहीं है तो उन्होंने कहा चार भी अलाउड हो जाएंगे। करण भैया उनकी वाइफ और ये है गीता कॉलोनी वाले गैंग है हमारी, हमारे कैटेगरी वाले सारे। तो गाइस ऊपर जाके देखते हैं उस गुरु जी का नाम लेते हैं, कुछ हो ना कल की तरह आज हालत बुरी ना हो बस सही रहे। जैकेट मैं करण भैया की पहनूंगा, अपनी भूल गया था क्योंकि हमारा प्लान नहीं था, हमने बताया था बैग में। गाइस नीचे स्की हो रही है और हम ऊपर बैठे हुए हैं, हमें फर्स्ट स्टेशन से चेंज करनी है और ऊपर जाके आपको व्यू दिखाता हूं सिनेमैटिक, आई होप आपने एंजॉय करे होंगे। और बाकी हर ट्रॉलीज पे कोई ना कोई फ्लैग है। हां ये तो है गाइस, इंडिया का पता नहीं है, इसका फ्लैग है, ये वाला फ्लैग है, ये देखना गाइस कमेंट करो कौन सा फ्लैग है। मुझे ये सो लग रहा है सिंगापुर, सिंगापुर है ना भाई, ये देखो ये हमारा फ्लैग गाइस। क्या इंडिया का फ्लैग होगा? हां गाइस बताओ क्या इंडिया का फ्लैग होगा? ये तो ऑस्ट्रेलिया का है भाई, नहीं होगा लोगों का तार के लगा देंगे। हाँ गाइस नहीं तो कस्टम करना पड़ेगा फिर हमें, सबको उतारो नहीं तो इंडिया का लगाओ। तो गाइस अंकल जी की रिक्वेस्ट आई थी कल से, मैं भूल गया था अंकल जी को लेने व्लॉग। अंकल जी इंट्रोडक्शन दे दो। हाँ जी। कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से? आंटी जी थोड़ा शर्माती है। अंकल कितने साल हो गए? 43 ईयर्स। बताओ गाइस ऐसा वो होना चाहिए, गोल्स कपल गोल्स ऐसे होने चाहिए, 43 ईयर्स के बाद भी स्विट्जरलैंड घूमने आए हैं। अंकल जी की वीडियो पूरी आएगी, अंकल जी देखना यूट्यूब पे, ठीक है? मैं आपको दे दूंगा, टीवी पे लगा के देखना, किसी पे देखना। ओके आंटी जी को मैं जरा वीडियो में लेना भूल गया था, आंटी जी को वीडियो में ले लिया है, हमारी प्यारी आंटी जी है, मिली थी, पूरी फैमिली ऐसी फील आ रही है। और ये दोनों को तो हमने ले लिया बहुत ज्यादा, इस लड़की को इसको मेरे बच्चे हैं, इनकी है आंटी के। आपकी तरह लग रहा है एकदम। गाइस यहाँ पे एक चीज मैंने देखी, पूरे यूरोप में सारी पपी स्मॉल ब्रीड्स वाले डॉग्स हैं और इनकी जो छोटी सी ट्रेन थी ट्रैम्प उसमें भी डॉग्स की अलग जगह बनी हुई है। तो गाइस यहाँ छोटी ब्रीड्स ही है। अब हम यहाँ से केबल कार चेंज करेंगे और वो राइड पे जाएंगे। गाइस आज मंगलवार है और जय श्री राम हो जाना चाहिए कमेंट के अंदर। इन स्विट्जरलैंड गाइस अपना झंडा यहाँ पे भी लहरा दिया हमारे सर ने। चलो चेंज के लिफ्ट में जाएंगे थोड़ा ऊपर। हाँ। जगह तो मिले नहीं, जैसे जैसे करके घुस गए सदियों पुराने ट्रॉली में, हिल भी रही है, गेट भी ऐसे पकड़ के घुस गए। गाइस ये थर्ड था, पहले हम निकले उसके बाद दोबारा इसमें से निकले हैं। अब हम एक अब हम और टॉप पे जा रहे हैं, वो सर्कल सर्कल सा घूमता है तो वहाँ जाके देखते हैं। 360 हाँ 360 बहुत ज्यादा हवा चल रही है, अब हम सारे 360 रिवॉल्विंग होगा वो पूरा और देखते हैं। न्यूज रिपोर्टर हीना शर्मा के साथ अब हम चलते हैं लिफ्ट में और हम जाएंगे फिफ्थ लेवल पे। देखो सर बता रहे हैं लेवल वन पे है हम लोग, यहाँ पर आइस केव है, ग्लेशियर केव, आगे से लेफ्ट ग्लेशियर केव, बट कुछ खास नहीं है जो हमने वहां देखी है वो बहुत बेस्ट थी, यहाँ कुछ खास नहीं है। यू नीड ओनली 5 मिनट्स अंदर जाके बाहर आना, ठीक है? नंबर 2 पे टॉयलेट है और सेल्फ रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ेरिया है, ठीक है? नंबर 3 पे टॉयलेट्स है और आइसक्रीम बार है और चॉकलेट शॉप है। नंबर 4 पे फोटो स्टूडियो है जो मैंने बताया, ट्रेडिशनल फोटो स्टूडियो। और नंबर 5 पे है जो ओपन एरिया है, स्नो फन। गाइस मेरी बिल्ली को मेरे से बात करनी है। हाँ जी चाचू कहाँ गए थे मेरा बेटा? चाचू की याद आ रही है छोनी को? याद आ रही है, याद आ रही है नोनी को? किचू पाला कहते पारा कहते चाचू आ जाएंगे जल्दी नोनी। तो गाइस हम निकल चुके हैं, कल से फार बेटर है, ब्रीदिंग की भी टच उट प्रॉब्लम नहीं हो रही और सब कुछ बढ़िया है, मजा आ गया। अपनी रील्स वगैरह बनाएंगे और ये लड़की देख रहे हो आप, हम इसके यहाँ चले गए ना अगर
अभी बोलेगी वीडियो बनाने के लिए, तो हम लोग इससे बचेंगे और रील्स वगैरह दिखाते हैं, बनाता हूँ आपको अपनी। ये बेटर है घर से, है ना शोना? तो गाइस अब बहुत ज़्यादा मुँह में ठंड लग रही है, हवा लग रही है, और ये देखो उड़ के आ रही है क्रिस्टल से, और फोटोज हमने बहुत सारी क्लिक कर ली है, इंस्टाग्राम पर देखेंगी शॉर्ट्स भी बना ली है। एंड इसकी हालत देखो एक बारी गाइस, -12-13 टेम्परेचर है यहाँ पे, इतनी ठंड है क्या बताओ, स्ट्रॉम भी आ रहा है स्ट्रॉम। हाँ जी गाइस लेट्स गो। तो गाइस अब ये तो हो गया, नीचे आके हॉटस्पॉट करते हैं, देखो किसी ने गुटखा खा रखा है, सच्ची में लग रहा है। चलो गाइस मैं बताना भूल के, यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया लग रहा है, इतना कुछ ऑक्सीजन लेवल का कुछ दिक्कत नहीं लग रही, अच्छी जगह है माउंट इटली साना, माउंट जंक फुरू की जगह। आप गई गाइस, फेस पे इतनी ज्यादा रेडनेस हो रही है, पैर और हाथ तो पूरे पूरे सुन है। गाइस किड्स आर स्कीइंग ओवर हियर एंड हम लोग नीचे कहीं और जाएंगे, ये लोग कहते हैं एज इज मे बी 12 or 13 होगा इतने साल का लगे थर। तो गाइस अब हम नीचे जाके मिलते हैं, हम एक्चुअली वो गोल वाली राइड से भी नीचे आ गए, लिफ्ट से भी नीचे आ गए, नीचे प्ले एरिया टाइप का है, वहाँ जाते हैं एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मैडम मुझे मनाली वाला काम चालू कर दिया, दिल दुल बना रही है, पता नहीं क्या बना रही है। अरे रुको ना, मैंने एक रील देखी थी, ये देखो गाइस कुछ हो सकता है दिल्ली वालों का, ये नहीं बताओ भाई, यहाँ पे रूम मिल जाता ना मजा आ जाता। हेलो हाय, अभी आएगा हाय। मेरे को भी हस्की पसंद है बहुत ज्यादा, पर घर वाले दिला नहीं रहे हैं, पर हम पर एक बार को मैं भी फोर्स नहीं कर रहा अभी, क्योंकि डॉग से ना बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है और फिर ना बाद में आपको पता ही है मैं बोल नहीं सकता। तो इन शॉर्ट पापा मम्मी ये बोल रहे हैं कि डॉग दिला, पापा कहेंगे दो पाल तो रखे हैं तुम दोनों को और किसको पालूंगा। तो गाइस कैंसिल, स्नो ट्यूबिंग करने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है, उसमें दिखाएंगे, ब्लॉग में दिखाऊंगा आपको। ठीक है गाइस लेट्स गो, देखो छोटे छोटे बेबीज भी कर रहे हैं गाइस, देख लो हमारे घर में बच्चों को डरा के मतलब थोड़ा वो रखते हैं पकड़ के होल्ड में, यहाँ पे कहते करो एक्टिविटीज, अब हम करते हैं यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा वो देखो एक छोटे बच्चे को, दिल्ली होता छीन लेता मैं, शैतान बच्चा है वो, गाइस शैतान बच्चा अपने घर वालों का, ये देखो बैठेगा फिर गाइस। और गाइस यहाँ से सब लेके आ रहे हैं, दो दो तीन तीन बारी राउंड कर रहे हैं और हमें मिल ही नहीं पा रहा गाइस, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, लेट्स सी मिल जाए जल्दी। गाइस फाइनली आफ्टर ऑल द स्ट्रगल्स वी हैव गॉट टू, और एक मैचिंग मैचिंग है हमारा, येलो येलो और करण पहले जाएगा क्योंकि मेरी वीडियो बनाएगा, बाकी एक वीडियो मैं बना लूंगा, और ये करण जी हैं इनको भी इसके बाद देंगे हम। अब मुझे तो लग रहा है मैं गिर जाऊंगी, मेरा कोट क्योंकि लॉन्ग है। गाइस हम जा रहे हैं, ऐसे ऐसे बैठना ना, ऐसे ही ऐसे बैठना ना, आपको टाइट में करना और रिलैक्स जो है ना दोनों को हवा में रखना तो गिरोगे नहीं, हवा हवा में रखना। सुनो आ जाओ आओ, गाइस ऐसे ऊपर जाना है और हम एक राउंड और लेंगे, अरे अपनी टीम मेंबर्स को दे दें, मेरी बनाई है इसकी नहीं बनाई, गाइस दोबारा जाएंगे इसमें बहुत ज्यादा फन आ रहा है, लेट्स गो गाइस चलो चलो। सुना सुना हट जाओ सब आ रहे हैं।
हमने बहुत सारी कर ली है, ट्यूब वाली में जा रहे हैं हम दोनों लास्ट है, उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग होगा आपको वो दिखाते हैं, मार्केट वगैरह। Guys, we have enjoyed a lot. मजा आ गया आज ने, मजा आ गया ना, और आपने देख हमने ग्रेट कर दिया, अगर हम यहाँ नहीं आते तो शुगर एंड लीन फैक्ट्री नहीं गए, ऊपर वाला जैसे मर्जी होती है उसके सब अच्छा ही होता है, एंड वी हैव टू बी इन लाइन, और उसके बाद हम नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके एक सिटी एक्सप्लोर करेंगे वो आपको दिखाएंगे, शायद ड्रोन शॉट्स ले लें अगर ड्रोन अवेलेबल हुआ तो। गाइस ये भी मिले, ये भी बहुत अच्छे, दिल्ली गैंग है हमारी, और ये दोनों गिरे और वो तो वहीं रुक गई। गाइस मजा आ गया, बहुत मजा था, एंड थैंक्स टू यू तुम लोगों ने करा दिया, भाई वो नेक्स्ट लेवल था, वो गिरना तो जरूरी था। अब गाइस नीचे चल रहे हैं, नीचे आने के बाद देखते हैं आ जाते हैं, ड्रोन शायद उड़ाएं। पानी क्यों नहीं पिया, बियर इज टू कॉस्टली, फिर ये क्या पिया, बियर पी ली तुमने तो, पानी 6 का है, यार इट्स चीपर, 5 की है क्या, पानी 6 फ्रैंक का है, बियर 5 फ्रैंक की, बियर पी ली 100 रुपए में जा लिया। गाइस किसी ने सेविंग करनी हो ऐसे कर सकता है, बियर सस्ती है पानी महंगा है, तो बियर पी ली है, यूरोप में पूरे यूरोप में सिस्टम है गाइस, तो यूरोप में पानी नहीं पीना है, दारू पीनी है, और शायद देखते हैं ड्रोन उड़ाते हैं अभी, आज चल ड्रोन उड़ाते हैं, हमें उड़ाएगा फिलहाल, क्यों, अरे धुआं उड़ाओ, ड्रोन छोड़ो, अरे क्या उड़ाओ, क्या उड़ाओ। तो गाइज दिस इज अ लुजन सिटी, हम यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करते हैं, और ये जहाँ पे हम गए थे माउंटेड प्लेस उससे 30 मिनट्स के अराउंड ड्राइव है, आप आ सकते हो, सिटी अच्छी लग रही है, ब्रांड्स भी हैं सारे, थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ब्रांड्स भी हैं और यहाँ पे अभी ड्रिजलिंग भी अब हो बोलो है, बहुत ज्यादा ड्रिजलिंग। गाइस लुजन सिटी में कासा ग्रांडा है, हमने वो लिए क्या लिया, स्विस नाइफ, और उसको हम यहाँ एंग्रेव करा रहे हैं, और गाइज ये सुमित साइकिल ब्लॉग्स के चैनल पे आपको दिखेगा स्विस नाइफ कैसा है, उसके लिए लिया हमने। सो गाइज ये हम दीदी के लिए, वो सॉरी भैया के लिए ले रहे हैं, और इस पे उनका जो हैशटैग है वो करवा रहे हैं, सुमिका एंड देयर वेडिंग डेट। गाइज मैडम देखो कहाँ घुस गया, जैकेट का देखते ही सेल का नाम आ जाएगा 50% मैडम अंदर, ये देखो चलो भाई चलो, क्या देखो जो लेना फटाफट लो ना, गाइस आधे घंटे से ही है तो मैडम अभी तक देख रही है, मैंने कहा चलो कहती क्यों चलो, ये देखो क्या देखो पसंद है ले लो, दिस इज अ ब्रांड नेम, व्हाट इज दैट, कैन यू स्पेल इट, यहां के अकॉर्डिंग है, दिस इज चिकोरे एंड हम इंडियंस के बोले चिचोरे, मैडम ने ले लिया है, वो पुलिस को कल स्टाइल करूंगी जब हमें जाना है ताकि ऑस्ट्रिया के लिए। सो गाइस ये चर्च है और जस्ट लुक एट द क्लॉक, अच्छा लग रहा है, और पीछे देखो ये कार्ट सी है, इसके अंदर लोग बैठ के डिनर कर रहे हैं, आगे हॉर्सेस हैं जो मतलब शायद आगे पीछे करते होंगे जो भी है, और अब हम देखते हैं कहाँ जाते हैं, आपको दिखाते हैं, बट इट्स लुकिंग रियली प्रिटी। सो गाइस जो भी आपने देखा वीडियो में वो वुडन ब्रिज है, और अभी हम फिलहाल इस ब्रिज पे हैं, एंड डेकोरेशन तो न्यू ईयर की वजह से हर जगह बहुत ज़्यादा अच्छी है, और बाकी इधर अभी हम सोच रहे हैं मैंगोस टाइम है घूमने के लिए दिखाएंगे आपको, ओके इसके पैर में लगी हुई भाग नहीं सकते, उसे छोड़ के जा रहे हैं फिर, ओ सॉरी छोड़ के आओ सुने गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत ज्यादा फेमस रॉक है, बहुत बड़ा लायन रॉक, और अंधेरे के अंदर वो दिखे या ना दिखे, भूत है भूत, तो गाइस ये वाला रॉक बहुत बड़ा है, और देखते हैं यहाँ पे होता क्या है, कुछ दिखे या ना दिखे, यहीं के लोग डर जाएंगे, ये रहा गाइस रॉक,
वो उस पे लॉयन इंग्रेव हुआ है। ये पानी है सारा और ये बाउंड्री बनानी चाहिए इधर। जय गुरु जी, गुरु जी साथ ही। मैं कह रही हूँ यहाँ पे बाउंड्री बनानी थी, आई थिंक नीचे वाटर है। कुछ तो है, नीचे वाटर है इस जगह पे। कुछ तो है, कुछ है, कुछ है। क्या है? कोई नहीं, हमारे साथ गुरु जी हैं तो हमें डरने की जरूरत नहीं है एट ऑल। बट जाके क्या, गुरु जी इज ऑलवेज विद अस, सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो गाइस बस यही था, कुछ 5 सेकंड का शो था। पाजी से पूछो कुछ कहना चाहोगे सर? कुछ कहना सर? ऐसे आप बताओ, वैसे यहाँ लेके क्यों आए हो आप? भाई ये ना लायन मॉन्यूमेंट है। अच्छा, ये एक रॉक है, बहुत बड़ा रॉक, उसके ऊपर कार्विंग करके बनाया हुआ है। अच्छा, इसके पीछे की एक स्टोरी है, वो मैं बस में बताऊंगा। ये जो लायन मॉन्यूमेंट है ना, ये फ्रांस में, आप सबको पता होगा, अपन बुक्स में पढ़ा होगा हिस्ट्री की, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। तो फ्रांस का जो किंग था उस समय ना, उसके गार्ड्स उस समय भी स्विस गार्ड्स हुआ करते थे। और ऐसा बोला जाता है कि जो स्विस के जो गार्ड हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको लायन बोला जाता है। तो फ्रांस के जो किंग के जो गार्ड्स थे वो 800 स्विस गार्ड्स थे। और उस रेवोल्यूशन में वो जो जो लोअर क्लास थी, वो जो उसको किंग को मारने आए, तो वो बहुत लाखों करोड़ों में थे, और उसमें वो 800 गार्ड्स भी मारे गए। जबकि वैसे गार्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बट इतने लाखों की जनता में वो नहीं कर पाए। तो उनकी याद में यहाँ पर ये एक सिंगल रॉक है, इसके ऊपर कार्विंग करके ये लायन बनाया गया है। आप फोटो आपने खींची होगी ना, आप देखना उसमें कि लायन जो है जख्मी है, उसके पीठ पे खंजर घुपा हुआ है, और वो सो नहीं रहा था, वो रो रहा था, उसके आंखों में दिखाया कि जैसे आंसू निकल रहे हैं। तो ये स्टोरी है इसके पीछे, और ये तब बनाया गया था। गाइस डिनर कर लिया था हम लोगों ने, और वो आपको पता है वो यूट्यूबर कौन से, जिसकी ये ब्रांड है प्राइम, मैंने आज तक टेस्ट नहीं करी, बड़ी हाइप बना रखी है, टेस्ट कर लेते मैडम। एनी अदर ड्रिंक? दवाई जैसे टेस्ट आ रहा है। यक, मुझे और बोल रहे थे। अब हम यहाँ व्लॉग एंड नहीं होगा, रात को हम जा रहे हैं पार्टी करने। यार मैं बोलता हूँ, जा नहीं पता आज बोलेंगे नहीं, शायद जाएंगे, नहीं जाएंगे तो व्लॉग देखते हैं। पार्टी करने नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, बस ऐसे गेवरी टाइप मारने जा रहे हैं। गेवरी 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 गेवरी, ये लो गाइस, मेरे पीछे श्रॉस्की का बेसिकली ये स्टैचू टाइप का है, उसकी आंखों में रियल श्रॉस्की भी दिखाऊंगा। गाइस आप मेरी बात को मजाक समझ रहे थे ना, सच्ची में हॉन्टेड वाली पूरी फीलिंग है। एक बारी चेक करो, ये देखो ड्रेसेस पूरा हॉन्टेड, 200% हॉन्टेड है। ये देखो गाइस।